उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का 19वां दीक्षांत समारोह 11 सितंबर को पूर्वान्ह 10:30 बजे सरस्वती परिसर स्थित अटल प्रेक्षागृह में आयोजित है। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। मुख्य अतिथि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बोधगया के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वरनाथ सिंह दीक्षांत भाषण देंगे। यह जानकारी सोमवार को प्रोफेसर सत्यकाम ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष शिक्षार्थियों को 26 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 16 स्वर्ण पदक छात्राओं तथा 10 स्वर्ण पदक छात्रों की झोली में जाएंगे। दीक्षांत समारोह में 17 दिसंबर 2023 तथा जून 2024 की परीक्षा के सापेक्ष उत्तीर्ण 31,940 शिक्षार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें 19,096 पुरुष तथा 12,844 महिला शिक्षार्थी हैं। कुलपति ने बताया कि कुलाधिपति स्वर्ण पदक क्षेत्रीय केंद्र आजमगढ़ की छात्रा आरती यादव को दिया जाएगा। विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक इस बार स्नातकोत्तर वर्ग में विद्याशाखाओं के साथ टॉपर्स को दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार राज्यपाल के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए 5 गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कुल 27 विद्यार्थियों को राज्यपाल पुरस्कृत करेंगी। साथ ही आंगनबाड़ी को 10 किट प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वविद्यालय के मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगी तथा गंगा परिसर में नवनिर्मित बैंक के भवन का लोकार्पण भी करेंगी। अंत में कुलपति ने बताया कि दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगभग 31,000 से ऊपर विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जा रही है और जो गोल्ड मेडल है वो 26 विद्यार्थियों को दी जा रही है, जिसमें 16 गोल्ड मेडल महिला विद्यार्थियों को और 10 गोल्ड मेडल पुरुष विद्यार्थियों को दी जा रही है। और एक विशेष जो हमारे पास दानदाता द्वारा प्रदत्त विकलांग दिव्यांग जो गोल्ड मेडल है वो एक विद्यार्थी को दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे विद्यार्थी, उन्होंने बहुत अच्छे से ये परीक्षा उत्तीर्ण की है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ से आगे बढ़कर वो अपने क्षेत्र में आगे काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर केएन सिंह, जो अभी वाइस चांसलर हैं साउथ बिहार यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोधगया, और भूगोल के वो विद्वान हैं और वे इस विश्वविद्यालय के भी कुलपति रह चुके हैं। क्षेत्रीय केंद्र आगरा से हैं और एक हमारा गोल्ड मेडल है जो दानदाता